नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं आपके साथ पल्लवी वर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म एमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस फिल्म के प्रदर्शन पर फिलहाल रोक दिया गया है। इस फिल्म को अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हालांकि कंगना को उम्मीद है कि 10 दिन के अंदर फिल्म के रिलीज का नया डेट मिल सकता है। हालांकि इस फिल्म को रिलीज होने से फिलहाल रोक दिया गया है। कंगना ने बताया कि इस फिल्म की एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकियां मिल रही है। वहीं ये बात भी निकल कर सामने आ रही है कि इस फिल्म को अभी तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है। कंगना ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वो इमरजेंसी फिल्म को लेकर अपनी बात रखी। फिल्म निर्माता को अभी तक सर्टिफिकेशन इशू नहीं हुआ है, लेकिन कई तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं कि फिल्म इमरजेंसी का सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारी फिल्म क्लियर हो गई थी, लेकिन उसकी सर्टिफिकेशन रोक दी गई है, क्योंकि सेंसर वालों को जान से मारने की धमकियां आ रही हैं। फिल्म की रिलीज डेट करीब आते ही कंगना को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। अकाली दल की दिल्ली इकाई ने भी फिल्म के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अकाली दल ने फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड और कंगना के प्रोडक्शन हाउस को नोटिस भेजा है। सेंसर बोर्ड को अभी इस मामले में कारण बताओ नोटिस या फिर वो चीज मेकर्स को दिए जाना बाकी है। फिल्म के कंस्टेंट और इसे लेकर बढ़ रहे विवादों के बीच इतना साफ है कि इस रिलीज के लिए हरी झंडी मिलने में अभी वक्त लग सकता है। ऐसे में कंगना रनौत डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो पाना अब नहीं हो पाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर कट लगाए जाने का सुझाव दिया गया, लेकिन जहां तक सर्टिफिकेशन का मामला है तो अभी भी चीजें रिव्यू की स्टेज पर ही है। मालूम हो कि फिल्म को लेकर विवाद इसके ट्रेलर के रिलीज के साथ ही शुरू हो गया था। फिल्म के ट्रेलर में जर्नैल सिंह भिंडरांवाले का खालिस्तान आंदोलन करते दिखाया गया था। इसके बाद अकाली दल की दिल्ली यूनिटी ने लीगल एक्शन लिया और साथ ही साथ अकाल तख्त जैसे कई सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इस बारे में एक्शन लिया। फिल्म रिलीज के वक्त से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी और अब फैंस को इसकी नई रिलीज डेट का इंतजार है। वही फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के लिए सिंह संगठन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट करेगी। फिल्म अभी सेंसर बोर्ड में प्रमाण के लिए भी अटकी हुई है, जिससे कंगना की फिल्म इमरजेंसी का भविष्य दांव पर आ गया। आपको बता दें कि फिल्म के इमरजेंसी ट्रेलर रिलीज होते ही पंजाब के बठिंडा में जमकर भारी प्रदर्शन हुआ। इस दौरान कंगना रनौत का पुतला भी जलाया गया और इस फिल्म को बैन करने की मांग की गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।